तो अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का गाना 5911 सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना। सो इट्स नॉट 5911, इट्स 911, नाट 11 बेसिकली। तो ये गाना काफी दिन पहले रिलीज हो चुका है। आई एम ऑलवेज लेट, आई नो, पर रिएक्शन कर देती हूँ, मुझे उसी में बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया, रिएक्शन कर दिया मैंने। तो मैं अब गाने पे रिएक्ट करने वाली हूँ। ऑल्सो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अगर आपको गाने के बीच में या कभी भी मेरे आस पास, मतलब मेरे वीडियो से ठक ठक की आवाज सुनाई दे। जब मैं अपने घर पे थी, यानी कि अपने होम टाउन में, तब भी कंस्ट्रक्शन वाले पहुंचे होते थे अपने हथौड़े वथौड़े लेके कि जब श्रेया वीडियो बनाएगी तभी हम लोग अपना काम करेंगे। और यहाँ मेरे पीजी में भी, जब मैं दिल्ली में हूँ तब भी यही हाल है। मेरे घर के बिल्कुल साथ वाली जगह पे फ्लैट्स बन रहे हैं। तो करते रिएक्शन। है कोई और? पिछले पैर नू बंबी ते यारां दा टोला 40 टक ने हाथी दे सिर वरगे नी फुल पैसा तेला और गैनक चके कुलाड़ी तो गट्टे आ गुड़ दे जट नाट गरां ते झोटा नहीं मोड़े ना मुड़दे। क्या बात है, दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। तो हालांकि इस गाने में सिद्धू मूसे वाले ने गाया तो नहीं, लेकिन जब उनकी किसी भी गाने में एक झलक से भी दिख जाती है तो जो उनके फैंस हैं वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। और दूसरी बात, नाट यारा रिकॉर्ड्स, उनके इस चैनल पे गाना अपलोड हुआ है, गाना बड़ा ज्यादा सही था, वीडियो बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी है कि हमेशा दिखाया जाता है कि जो जिसमें वो
क्या बोलते हैं, जट पड़ा होता है ना उन वीडियोस में, मोस्टली जहां ना इंसाफी हो रही होती है वहां पर इंसाफ दिलाया जाता है। जैसे वो जाते जाते एकदम गुंडागर्दी कर दी उसने और साइकिल पे जो अंकल जा रहे थे उनको मार दिया, दैट इज रॉन्ग। देन सम पीपल केम एंड उनको बचाया और एंड में कैसे बदला लिया, और दैट वीडियो वॉज वेरी नाइस। और गाना बड़ा ही सही था, मतलब मुझे लिरिक्स याद हो गए भाई, कितनी बड़ी बात। मुझे लिरिक्स जनरली नहीं याद होते, बहुत बार सुनू तो होते हैं, बट मैं पहली बार ये गाना सुन रही थी, मुझे उसका सिग्नेचर लाइन याद हो गया था। और ये गाना द किड का म्यूजिक है इस गाने में, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड रिएक्शन तो मेरा आप साथ ही साथ देख ही रहे थे, मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी इस गाने को। एंड जस्ट लेट मी चेक एक बार फिर से सिंगर का नाम, जतेंद्र गागोवाल। यस, बहुत सही आवाज लग रही थी इनकी, बहुत मजा आ रहा था गाना सुन के। उन्होंने उसमें पीबी कत्ती की बात करी और बेल्ट मालवा, तो जनरली मेरे कमेंट्स में भी मालवा बेल्ट इस चीज को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो लकीली मुझे ये चीज पता है कि मालवा इज अ पार्ट ऑफ पंजाब, मालवा, माझा, दोआबा और ये सारे एरियाज हैं, तो पीबी इकत्ती आई थिंक मानसा एरिया पड़ता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि PB31 मानसा ही है या कोई और एरिया है, और आप अपने शहर का जो ये व्हीकल नंबर पे होता है, जैसे ये सिटी नंबर लाइक PB01, PB02, PB31 जो भी आपका पड़ता है, PB10 इज ऑफ लुधियाना आई थिंक, तो जो भी है आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपकी सिटी का नंबर क्या है। एंड मेरी सिटी का नंबर है HR02, इट्स यमुना नगर हरियाणा। और दिल्ली गाइज इज दिल्ली का नहीं पता, देखो मुझे दिल्ली का नहीं पता कि मैं कौन से एरिया में रहती हूँ, बट हाँ मेरे शहर का है HR02। एंड एवरीबडी लव्स देयर होम टाउन, मुझे भी मेरा शहर बहुत ज्यादा पसंद है, छोटा बड़ा जैसा भी है बड़ा प्यारा लगता है। रिएक्शन कैसा लगा बताना कमेंट्स में जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना भूलना।